कल आपने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, लीनियर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन का ग्राफ, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का। यहां वाई की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्स का फंक्शन ये इंडिकेट कर रहा है। आपको अच्छे से पता है इसमें यम क्या होता है, स्लोप। स्लोप मीन्स प्रवणता, ठीक है। और सी क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स, वाई एक्स पर कटे अंतःखंड की लंबाई। तो ये होती है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर यम पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर यम पॉजिटिव हो बट सी निगेटिव हो तो ग्राफ कैसा होगा। अगर एम निगेटिव है, ठीक है, और सी पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा। और अगर यम भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है तो ग्राफ। आपको पता है स्लोप मतलब यम इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा जो है वो 90 से लेस होगा, होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्रथम चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर m नेगेटिव है तो थीटा 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर यम पॉजिटिव है तो टैन थीटा पॉजिटिव हुआ, और टैन थीटा पॉजिटिव हुआ तो मतलब थीटा 90 से कम है, 90 डिग्री से लेस है, क्लियर। और अगर यम निगेटिव हुआ तो टैन थीटा निगेटिव हो गया, और टैन थीटा निगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 से ग्रेटर होगा। तो यम पॉजिटिव है मतलब एंगल 90 डिग्री से कम। तो हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से लेस एंगल फॉर्म कर रहा है। और सी पॉजिटिव है मतलब वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। तो हमारा ग्राफ कुछ यूं होगा, फर्स्ट केस का ग्राफ है, ठीक है। जब भी यम पॉजिटिव हो सी पॉजिटिव हो तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, क्लियर। अगर यम पॉजिटिव है मतलब थीटा 90 डिग्री से लेस हुआ, लेकिन सी नेगेटिव हो गया, क्लियर। सी क्या हो गया, नेगेटिव। वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ वो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव। तो इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा,
सेकंड केस में, किस केस में, सेकंड केस में, क्लियर। अगर m नेगेटिव तो थीटा 90 से एबव, जो ये एंगल बनाएगा लाइन, लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल 90 से क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। और c पॉजिटिव है मतलब y एक्सिस को कट करेगा, कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्लियर, ठीक है। ये जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, और सी क्या है, पॉजिटिव, सी क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सी है और ये नेगेटिव सी है, ठीक है। अगर एम नेगेटिव है तो थीटा 90 से ग्रेटर होगा, एम नेगेटिव मतलब टैन थीटा नेगेटिव, मतलब एंगल क्या हो गया, 90 से ग्रेटर, 90 से बड़ा कोण, 90 से बड़ा ये था ना, 90 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन C भी नेगेटिव है मतलब y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा, तो ग्राफ कुछ यूं दिखेगा, तो ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो पहली कंडीशन में ग्राफ कुछ यूं दिखाई देगा, दूसरे कंडीशन में ग्राफ कुछ यूं दिखेगा, तीसरे कंडीशन में ग्राफ ऐसा होगा, और चौथे कंडीशन में ग्राफ, क्लियर है। चलिए मान लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है मान लीजिए, ठीक है। अब ये 1-1, कल आपने पढ़ा था ना फंक्शन, ये 1-1 है कि मेनी 1 है, ये चेक करने के लिए, ये फंक्शन 1-1 है कि मेनी वन है, ये चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन इसके ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता है, केवल एक पॉइंट पर, तो ये 1-1 होगा, क्लियर है। इस फंक्शन का ग्राफ, इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ ये रहा, ये फंक्शन 1-1 है या मिनी 1 है, ये जानने के लिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, सिंगल लाइन ड्रॉ करना, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन कितनी जगह कट हुआ, एक जगह कट हुआ, मतलब ये 1-1 फंक्शन, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका ग्राफ नीचे है ही नहीं, तभी क्या होगा, तभी कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। और अगर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, आंटू फंक्शन हो जाएगा, रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो होते ही नहीं है, तो एक्स नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इधर का ग्राफ मुझे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, एक्स नेगेटिव नहीं होगा नेचुरल नंबर के केस में, एक्स नेगेटिव नहीं होगा तो ये ग्राफ मिटानी पड़ेगी, ठीक है, तब तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। रियल नंबर के केस में क्या होगा, आंटू फंक्शन होगा, कब, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है, और आप सेट कौन सा ले रहे हो, रियल नंबर का, तब तब क्या हो जाएगा, ये आंटू, ठीक है, और रियल नंबर का ही सेट ले रहे हो, और ग्राफ केवल ऊपर मिले, ये नहीं कोई और फंक्शन हो, ग्राफ केवल ऊपर हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, क्लियर है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसमें रियल नंबर्स इमेज फॉर्म कर रहे हैं, किसमें, रियल नंबर के सेट में, रियल नंबर कनेक्ट हो रहा है किससे, रियल नंबर से, क्लियर है।
ये फैमिली भी रियल नंबर की है और ये फैमिली भी रियल नंबर की है, इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है, प्री इमेज भी रियल नंबर होगा और इमेज भी रियल नंबर होगा, क्लियर है? हर एंगल से आपको बता दिया गया। अब ये इमेज बन किसके अकॉर्डिंग रहा है? ये इमेज किसी रूल के अकॉर्डिंग बन रहा होगा, तो वो रूल दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7, क्लियर? प्रूफ करना है हमें कि ये फंक्शन 1-1 है और आंटू। अगर ग्राफिकली देखो तुरंत बता सकते हो यम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और यम पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो ग्राफ यूं होगा, होगा? अब जैसे ही x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ एक जगह कट हुआ, मतलब ये क्या हुआ, 1-1 फंक्शन है, ठीक है? और इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर भी है और नीचे भी है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी इसका ग्राफ प्रेजेंट है और नीचे भी ग्राफ प्रेजेंट है, मतलब ये आंटू फंक्शन है, 1-1 और आंटू फंक्शन। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में कैसे करेंगे आप? आप मानेंगे कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, आप मानेंगे कि इसको हम इनपुट देंगे x1, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट, और जब इनपुट देंगे x2 तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट सेम होगा। मतलब मैंने ये माना कि x1 और x2 दोनों की इमेज क्या है, सेम है, तो क्या ये 1-1 फंक्शन में होता है? नहीं ना, इसके दो प्री इमेज हो गए, इस इमेज की दो प्री इमेज, एक ये प्री इमेज हुआ और एक ये प्री इमेज हो गया, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। मैंने माना कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है, ठीक है, क्लियर है? तो लेट x1 का इमेज और x2 का इमेज क्या इक्वल, क्या मैंने यहाँ x1 और x2 को इक्वल लिखा है? नहीं, मैंने किसको इक्वल लिखा, इमेज का, x1 से जो इमेज मिला वो और x2 से जो इमेज मिला वो इमेज क्या इक्वल है। अब बताओ फंक्शन को इनपुट देते हो x1 तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3x1+7 आएगा। अगर हम इस फंक्शन को इनपुट दे दें x2 तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3x2+7 होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, क्या बच गया, 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया, x1 = x2, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दो नंबर नहीं है, दोनों क्या सेम है, ये दो है ही नहीं। मैंने माना था कि ये इमेज है किसका, x1 का, और ये किसी दूसरे नंबर x2 का भी इमेज है, ये माना था, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि x2 कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, x2 तो वही पहला वाला नंबर x1, तो ये दो नंबर नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है, इसका मतलब ये इमेज है किसका, एक ही का, दो का इमेज ये नहीं है, मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, 1-1, क्लियर? देयरफॉर फंक्शन इज 1-1, तो ये बहुत ही आसान होता है, 1-1 दिखाना बहुत ही आसान होता है। अब आंटू प्रूफ करना हमें, आंटू प्रूफ करना मतलब क्या प्रूफ करना है, ये सेट है रियल नंबर का और ये फैमिली भी है रियल नंबर की, फंक्शन आंटू कब होता है, जब इस दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाए, इमेज बन जाए, कोई बाकी ना रहे। अगर स्टूडेंट्स को मिठाइयाँ खिलाई जाए तो डिब्बे में कोई मिठाई ना बचे, सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाए। अगर इन स्टूडेंट्स को चेयर्स पर बैठाया जाए तो सारे स्टूडेंट चेयर पर बैठ भी जाए और कोई भी चेयर खाली ना रहे, तो फंक्शन क्या होगा, आंटू, इन बताया था मैंने, क्लियर? तो मुझे दिखाना होगा कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
सब के सब क्या बन जा रहा है, इमेज बन जा रहा है, ये सब के सब इमेज बन जा रहा है, मतलब इन सबका प्री इमेज इसमें है, यही तो बात हुआ। मुझे आंट फंक्शन को आंटू प्रूफ करना है, मतलब ये शो करना होगा कि ये जो सेट है इमेज का जो सेट है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इमेज बन गए, क्लियर है, मतलब इन सबका प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है। तो लेट x का इमेज y है, मान लिया x का इमेज क्या है, y, ठीक है, x का इमेज y है, लेकिन अगर x का इमेज यहां से देखो, जब इसको इनपुट दोगे x, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, 3x plus 7 आएगा, इज इक्वल टू y। मैंने माना x का इमेज क्या है, y, लेकिन यहां से देखो x का इमेज क्या है, 3x plus 7। अब इससे x की वैल्यू y के फॉर्म में लिखेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि y के बारे में, मतलब इमेज के बारे में सोच सकें। तो क्या हो जाएगा, 3x is equal to y minus 7, या x is equal to y minus 7 by 3, ठीक है। अब हम इसके थ्रू इमेज के बारे में सोच सकते हैं। अब कोई रियल नंबर सोचो जो तुमको लग रहा हो इमेज नहीं बनेगा। चलो मैंने यहां ले लिया 2, ये 2 किसका इमेज है, ये जानने के लिए y की जगह यहां 2 रखो, और जैसे ही y की जगह यहां 2 रखो, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5/3। तो जो 2 था वो इमेज था किसका, माइनस 5/3। तो क्या ये इस फैमिली में नहीं है, माइनस 5/3 रियल नंबर नहीं होता है, होता है। चलो कोई और सोच लो, चलो रूट 5 ले लिया, क्या ये इमेज नहीं बनेगा, बनेगा, ये भी इमेज है, ये भी आउटपुट है किसका, रखो y की जगह यहां रूट 5 रखो, जैसे ही y की जगह रूट 5 रखोगे तो तुम्हें x क्या मिलेगा, रूट 5 माइनस 7/3। रूट 5 इमेज है इसका, क्या ये रियल नंबर नहीं है, है ना, कौन रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा वाले नंबर्स याद है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है, जो आयोटा आता है रूट माइनस 1, रूट में माइनस आ जाता है तो इमेजिनरी नंबर, उसके अलावा तो बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, रियल ही होते हैं, रूट हो, ठीक है, या फ्रैक्शनल नंबर्स हो, कोई भी नंबर लो रियल ही होता है। इससे पता चल रहा है कि तुम कोई भी इस फैमिली में क्या रियल नंबर है ना, तुम कोई भी रियल नंबर इसमें रखोगे तो x तुमको रियल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब सारे रियल नंबर इमेज बनेंगे ही बनेंगे, नहीं समझा रही बात, ये इनपुट है और ये आउटपुट, ये प्री इमेज और ये इमेज, इससे देख लो, चेक कर लो, अगर तुम x की जगह माइनस 5/3 रखते हैं, ये कट गया, कितना आया, 2 नहीं आया, तुम कहोगे सर रूट 5 आएगा ही नहीं, आएगा क्यों नहीं, 3 × x की जगह जैसे ही रखोगे, यहां पर x की जगह जैसे इसको यहां रखोगे, रूट 5 माइनस 7/3 प्लस 7, कट गया, माइनस 7 प्लस 7 कट, कैंसिल, क्या है रूट 5, मतलब इनमें तुम कोई भी नंबर ले लो, वो किसी भी रियल नंबर, किसी न किसी रियल नंबर का इमेज जरूर बनेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि y के एवरी रियल वैल्यू के लिए, y तुम कुछ भी रियल नंबर ले लो, y कोई भी रियल नंबर रख दो यहां, x रियल ही होगा, इमेजिनरी थोड़ी ना हो जाएगा, अरे यस तो इमेजिनरी तब होता है जब यहां क्या होता है, रूट, रूट नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्लियर है, तो आप रीजन क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना समझाएंगे, एग्जाम में ये नहीं बना सकते आप रीजन ये देंगे, इसके बाद नीचे की लाइन जो है, इसके बाद की जो नीचे की लाइन है, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, इट इज सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ x विल आल्सो बी रियल, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, इट इज श्योर, या इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन that value of x
will also be real. Also will be real. Will be real. Clear है? Y के every कैसी value? Real value के लिए x भी real ही आ रहा है. Clear है? Yes. मतलब इसका मतलब कि इस सीट में जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर की सीट में जितने भी नंबर्स हैं, सबके सब क्या होंगे? इमेज बनेंगे. मतलब इसके सारे नंबर का प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है. ये इमेज बन रहा है, मतलब इनका प्री इमेज इसमें मौजूद है. देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स किस सेट का? ऑफ सेट आर. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर. देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर हैव क्या? प्री इमेज इन किसमें? सेट. इन सेट क्या? आर. ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट हैव प्री इमेज इन दिस सेट. क्लियर? हेंस या शो. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज का सेट है वो पूरा आर के बराबर हो गया. पूरा आर ही तो इमेज बन गया. सारे रियल नंबर तो इमेज बन गए. तो जो इमेज का सेट होगा वो आर के इक्वल होगा. हैंस फंक्शन इज क्या? ऑनटू. बस क्लियर. हिंदी में लिखना होता अगर तो लिखते कि चूंकि वाई के समस्त वास्तविक मानों के लिए, क्योंकि वाई के समस्त वास्तविक मानों के लिए, रियल वैल्यू वास्तविक मानों के लिए एक्स का वास्तविक होना निश्चित है, इसलिए समुच्चय आर के समस्त अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब किसमें मौजूद होगा? समुच्चय आर में उपस्थित होगा. क्लियर है? अतः समुच्चय क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, अतः फलन क्या हो गया? अच्छा. क्लियर? देखो, खेल इसका नहीं है, खेल इस फैमिली का है. ठीक है? ये तो वो रूल है. कह सकते हो शादी हो रही है, दो लोगों की शादियां कराई जा रही हैं, लेकिन खेल इसका नहीं है. शादी का खेल नहीं है. शादी तो सबकी होती है, खेल शादी का नहीं है. खेल इस बात का है कि फैमिली कौन सी है. जिस फैमिली से लड़का लिया गया है वो कैसी फैमिली है, और जिस फैमिली से लड़की ली जा रही है वो कैसी फैमिली है, वो खेल दिखाएगा. ठीक है? जो क्या बोलते हैं, मैरिज लाइफ वो सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल होगा वो इस फैमिली पर डिपेंड करता है. मैरिज पर थोड़ी डिपेंड करता है कि मैरिज किस तरीके से हुई है. तरीके से कोई मतलब नहीं है, खेल इस फैमिली का है. अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, फैमिली चेंज कर रहा हूँ. चलो, ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली और ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली. अभी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली और ये भी नेचुरल नंबर फैमिली है, रूल वही है. ठीक है? अब भी फंक्शन देखो, ग्राफ पर अगर जाते हो तो इसका ग्राफ तो मैंने बताया था कि यूं होगा. यम पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ग्राफ इन होगा. फंक्शन तो क्या है? 1 1, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है. बट नेचुरल नंबर की इनपुट मतलब एक्स, इनपुट मतलब एक्स, आउटपुट मतलब वाई. इनपुट मतलब एक्स, आउटपुट मतलब वाई. तो जो इनपुट है वो नेचुरल है, मतलब पॉजिटिव होगा. जो एक्स होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. एक्स इधर होगा ही नहीं, तो ग्राफ इधर है ही नहीं. ग्राफ यहां तक नहीं है. तो जब ग्राफ इधर है ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है ही नहीं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू, नॉट ऑनटू. क्लियर है? देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है? फंक्शन 1 1 ही रहेगा, लेकिन अब ये इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं. क्यों? ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली, ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली. ठीक है? मान लिया एक्स का इमेज क्या है? वाई. लेट एक्स का इमेज क्या है? वाई. लेकिन यहां से एक्स का इमेज क्या लिखेंगे? 3x+7. अब इससे x की वैल्यू y के फॉर्म में ही आएगी,
अब जरा यहां देखो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर की फैमिली है ना, इस फैमिली में वन होगा कि नहीं होगा, टू होगा कि नहीं होगा, थ्री होगा कि नहीं होगा। अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर इमेज बन जाएंगे तभी तो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर रह गया जो इमेज ना बन पाया हो तब तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू। सारी मिठाइयां खत्म तब तो ऑन टू, और डब्बे में मिठाई बचा तो इन टू। अब ये वन किसका इमेज है, रखो वाई की जगह, वाई की जगह वन रख रहे हैं, जैसे ही वाई की जगह वन रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। तो वन इमेज बना किसका, माइनस टू का। लेकिन क्या माइनस टू इस फैमिली का मेंबर है, माइनस टू नेचुरल नंबर होता है, माइनस टू नेचुरल नंबर होता है नहीं ना, तो माइनस टू इस फैमिली में है ही नहीं। इसकी शादी जिससे करनी है, करानी है, वो मेंबर इस फैमिली में नहीं है, मतलब इसकी शादी नहीं हो पाएगी, ये इमेज नहीं बन पाएगा। और जैसे ये इमेज नहीं बना, अब बाकी हुआ रंग सोच के क्या करोगे, ये मिठाई बच गया डब्बे में, ये किसी के मुंह का निवाला नहीं बना, क्लियर है, ये इमेज बन ही नहीं पाया। और जैसे ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए जो इमेज ना बन पाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, ये टू किसका इमेज है, रखो वाई की जगह टू, टू किसका इमेज है ये जानने के लिए जैसे वाई की जगह यहाँ टू रखेंगे एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फाइव बाई थ्री। तो टू को इमेज बनना है किसका, माइनस फाइव बाई थ्री का। तो क्या माइनस फाइव बाई थ्री इस मेंबर में है, टू को जिससे शादी करनी है वो मेंबर इस फैमिली में है ही नहीं, तो मतलब टू की शादी नहीं होगी, मतलब ये टू इमेज नहीं बनेगा, मतलब इसका प्री इमेज इसमें है ही नहीं, इसका भी प्री इमेज है ही नहीं। जब है नहीं, सारे नंबर्स का प्री इमेज होता तो फंक्शन ऑन टू होता, लेकिन जब इन दोनों का प्री इमेज है ही नहीं इसमें, हो सकता कुछ नंबर्स का आगे मिल भी जाए, लेकिन अगर इन नंबर्स का नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वाई तो तुम नेचुरल ही ले रहे हो लेकिन एक्स की नेचुरल होने की गारंटी नहीं है, यही खेल है। तो यहां लिखोगे सिंस फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ वाई इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल आल्सो बी नेचुरल। y के एवरी नेचुरल वैल्यू के लिए यह क्लियर नहीं है कि x भी क्या होगा, नेचुरल आएगा। देयरफॉर क्या ऑल एलिमेंट्स इमेज का, सॉरी इस सेट के ऑल एलिमेंट्स का प्री इमेज इसमें होगा, नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका प्री इमेज इसमें होगा ही नहीं, देखो वन का प्री इमेज इसमें नहीं है, टू का प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर सम एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स किसमें, किस सेट के, ऑफ सेट n, ऑफ सेट n हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन सेट n। तो क्या पूरा नेचुरल नंबर इमेज बना, नहीं। तो इमेज का सेट n के इक्वल नहीं होगा, पूरा नेचुरल नंबर इमेज बना ही नहीं, कुछ नंबर्स इमेज बनेंगे, तो जो इमेज का सेट होगा वो नेचुरल नंबर के सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, हेंस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इन टू। क्लियर है, तो फर्क यहां से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसमें नेचुरल नंबर इमेज फॉर्म कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट में, और इस रूल के अकॉर्डिंग बताओ फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है, फंक्शन इन टू है कि ऑन टू है, ये बताना है। सेम वैसा ही, सब कुछ वैसा ही है, वन वन है कि मिनिमम, ये चेक करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, सॉरी यम पर, एक मिनट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो इसको मैंने माइनस वन कर दिया, इसको माइनस वन कर दिया, ठीक है, यम पॉजिटिव है और सी नेगेटिव, तो जब यम पॉजिटिव होगा तो एंगल तो 90 से कम ही रहेगा, 90 से कम ही रहेगा, बट सी नेगेटिव है तो वाई एक्सिस कहां कट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ यूं होगा,
होगा। yes, अब जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन इसके ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर, मतलब फंक्शन क्या है, वन, ठीक है। और ये फैमिली किसकी है, नेचुरल नंबर की, तो जो इनपुट है इसी से लिया जाएगा, और नेचुरल नंबर है तो वो नेगेटिव होगा ही नहीं, और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो आ रहा है लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाएगा, यहाँ पर एक्स के बाद इधर नहीं आ पाएगा, मतलब एक्स नेगेटिव नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, एक्स नेगेटिव नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ भी ये इनटू हो जाएगा फंक्शन, अनटू नहीं हो पाएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक जाता तो अनटू होता, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक अनटू होता, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, रुक थोड़ा रहा है, ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, नॉट अनटू। देखो लेट एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग नंबर्स हैं जिनके क्या सेम है, इमेज सेम है, माना एक्स वन का इमेज और एक्स टू का इमेज क्या है, इक्वल है। एक्स वन का इमेज क्या लिख दूं, टू एक्स वन माइनस वन, एक्स टू का इमेज क्या लिख दूं, 2x2 माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गए, लेफ्ट में क्या बचा, 2x1, राइट में क्या बचा, 2x2, कैंसिल क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये दोनों दो नंबर नहीं है, दोनों क्या सेम नंबर है, मतलब ये इमेज किसी एक का ही है, दो नंबर का इमेज ये नहीं है, जिस दूसरे नंबर को हमने इमेजिन किया था वो दूसरा नंबर भी क्या निकला, पहला ही नंबर निकला, क्लियर है। फंक्शन क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज वन वन, क्लियर है। अब इनटू है क्या, इनटू है कैसे लिखोगे एग्जाम में, तो लेट एक्स का इमेज क्या है, वाई, लेकिन यहां से एक्स का इमेज क्या मिलेगा, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई, इससे एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में क्या होगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई टू, क्लियर है। तुम खुद सोच लो, जब भी तुम y क्या लोगे, नेचुरल नंबर, क्या गारंटी x भी नेचुरल आएगा, जब भी y नेचुरल लोगे x नेचुरल आएगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये है y, ये x है और ये y, वन किसका इमेज है, रखो y की जगह वन, एक्स क्या आएगा, टू बाई टू वन आया ना, तो वन इमेज है वन का, वन नेचुरल नंबर, ठीक है, वन तो इमेज बन गया, याद रखना सबके सब इमेज बनेंगे तभी फंक्शन अनटू होगा, टू किसका इमेज है, रखो वाई की जगह टू, और जैसे ही वाई की जगह टू रखोगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री बाई टू, मतलब टू इमेज है थ्री बाई टू, थ्री बाई टू का, मतलब इसको इनपुट दोगे थ्री बाई टू तो आउटपुट क्या आएगा, टू, इसको इनपुट दोगे थ्री बाई टू तो आउटपुट क्या मिलेगा, टू, तो टू इमेज है थ्री बाई टू का, लेकिन क्या थ्री बाई टू इस फैमिली का मेंबर है, थ्री बाई टू नेचुरल नंबर होता है क्या, थ्री बाई टू नेचुरल नंबर होता है नहीं, कौन कहेगा कि नेचुरल नंबर है थ्री बाई टू, जब थ्री बाई टू इस फैमिली में है ही नहीं तो क्या टू इमेज बन पाया, नहीं बन पाया, मतलब टू का प्री इमेज इसमें है ही नहीं, अब क्या चेक करें, हमें ऐसा मेंबर मिल गया जिसका प्री इमेज इसमें है ही नहीं, तो फंक्शन क्या हुआ, इनटू, और सबके सबका प्री इमेज मिलता तो अनटू, क्लियर है, बहुत आसान है। तो रीजन आपको यही लिखना होगा एग्जाम में, बच्चे एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, नंबर कट जाता है यहाँ पर, इस सेंटेंस को लिखना होगा कि आपको इससे पता क्या चल रहा है, तो सीन्स फॉर एवरी कौन सी वैल्यू, नेचुरल वैल्यू, सिंस फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ वाई इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल आल्सो बी नेचुरल,
y की नेचुरल होने पर x की नेचुरल होने की गारंटी नहीं है, x कभी कभी नेचुरल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आपने 2 के केस में ऐसा देखा, तो therefore क्या होगा, कुछ नेचुरल नंबर्स की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, therefore सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट n, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट n हैव नो प्री इमेज इन सेट n, हैव नो प्री इमेज, प्री इमेज इन सेट n, तो क्या हो गया, तो क्या जो इमेज बनेंगे उनका सेट n के इक्वल हो जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर का सेट n इमेज बन गया, नहीं ना, तो जो इमेज का सेट होगा वो इस नेचुरल नंबर के सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, तो इमेज का सेट, इमेज का सेट, इमेज का सेट मिडिल ब्रैकेट है ये, इमेज का सेट प्रॉपर सबसेट होगा किसका, यन का, हैंस फंक्शन इज, हैंस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, क्लियर, समझ आ गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, F such that R maps to R और Fx is equal to 2x, ठीक है, क्या होगा फंक्शन, ये 1-1 होगा कि मेनी 1-1 होगा कि मेनी 1 होगा, y is equal to mx plus c, m कितना है 2 पॉजिटिव, c 0 है, C 0 है मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, लाइन ओरिजिन से पास होगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ये रहा लाइन, इन होगा, अब बताओ जैसे x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह कटेगा, ये एक ही जगह, तो फंक्शन क्या हुआ, 1-1, सीखो बहुत आसान है, क्लियर, और इनटू होगा क्या, इनटू होगा रियल नंबर की फैमिली है, मतलब ये पूरा ग्राफ चलेगा इनफाइनाइट तक, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, क्या होगा, आन टू होगा, क्लियर, ओके कर लोगे इसको, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1, और यहाँ आएगा वाई इज इक्वल टू, यहाँ 2x इज इक्वल टू, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू आएगा, और जब एक्स वाई बाई टू आएगा तो जब वाई तुम नेचुरल नंबर रखोगे, वाई जब नेचुरल कर रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर की फैमिली है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, चलो ले लिया 5, जैसे y की जगह 5 रखोगे x क्या आएगा, 5/2, तो 5 इमेज बना किसका, 5/2 का, तो 5/2 इस फैमिली का मेंबर है कि नहीं है, है रियल नंबर की फैमिली है, 5/2 इसमें रहता है, क्लियर, यस सर, कौन नहीं बनेगा, -3 नहीं बनेगा, -3 इमेज बनेगा, रखो y की जगह -3, x क्या आएगा, -3/2, ये भी इमेज बन गया, क्या -3/2 इस फैमिली में नहीं है, है तो जिस मेंबर से इसको शादी करें वो मेंबर तो इसमें है ही, शादी तो हो ही जाएगी, ये इमेज तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसका प्री इमेज ये है ही यहाँ पर, क्या सोचते हो, √7 का प्री इमेज नहीं होगा, वाई की जगह √7 रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √7/2 आएगी, आएगी, तो क्या √7/2 रियल नंबर नहीं है, है इसका ये भी इमेज बन जाएगा, मतलब तुम कोई भी रियल नंबर लोगे इमेज बनेगा ही बनेगा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि y के एवरी रियल वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए x का रियल होना कंफर्म है, क्लियर है, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y इट इज सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ x विल आल्सो बी रियल, इसलिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, All elements of set R have pre-image in set R. तो इमेज का सेट किसके इक्वल होगा, R के, फंक्शन इज onto. क्लियर है, और इसमें क्या आता है, ये तो रहता नहीं, x1 का इमेज 2x1, x2 का इमेज 2x2, ये 2-2 कट जाता है, x1 प्लस 2 फंक्शन इज 1-1, क्लियर है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, लेकिन इसको लोग इतना कठिन बना रखे हैं,
चौथा नंबर रियल नंबर की फैमिली है, एफ एक्स इज इक्वल टू है, सॉरी रियल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर की फैमिली, क्यू रेशनल नंबर की फैमिली है। रेशनल नंबर भी रियल नंबर का ही सबसेट है, बट इसमें रूट नहीं आता है। 1/2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1 रेशनल नंबर है। जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। बस रूट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट क्यू रूट नहीं, रेशनल नंबर की फैमिली है। और ये रूल है, ये रूल है जिसके अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट्स इसमें क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर है? अब ये 1/1 होगा कि नहीं, इसको इस पर नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या आता है, रियल नंबर होता है, एक्स भी रियल नंबर, वाई भी रियल नंबर। नेचुरल में तो खैर पॉजिटिव दिखा रही है आपको, लेकिन इसमें इसको हटा दे रहे हैं। हालांकि ये 1/1 आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या लीनियर है, एक्स पर सिंगल पावर है। क्लियर है? तो क्या करोगे, मानोगे कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर है और इनका इमेज क्या है, सेम। x1 और x2 का इमेज सेम है। x1 का इमेज क्या लिखोगे, 3x1-4। x2 का इमेज क्या लिखोगे, 3x2-4। कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। कैंसिल फंक्शन इज 1। क्लियर है? अब मान लिया कि x का इमेज क्या है, y। मान लिया कि x का इमेज क्या है, y। लेट x का इमेज y है, लेकिन यहां से x का इमेज क्या लिखेंगे, 3x-4। इससे x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या, y+4/3। क्लियर है? इन होगा। अब बताओ भाई, जब भी रेशनल लोगे, इरेशनल नहीं, इरेशनल मतलब √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर है, आपको रेशनल नंबर लेने हैं। तो जब y रेशनल लोगे तो x रेशनल चाहिए ना, y के रेशनल होने पर x भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। y जब भी तुम कोई नंबर लोगे, 2 रखोगे तब भी x रेशनल होगा, 2/3 रखोगे y की जगह तब भी x अपॉन में ही आएगा, रूट आएगा क्या। जब तुम y इरेशनल तो रख नहीं रहे हो, आप परिमेय संख्या तो रख नहीं रहे हो, परिमेय संख्या ले रहे हो y, तो x भी क्या आएगा, परिमेय आएगा, रेशनल आएगा। कन्फर्म है ना? तो क्या रीजन दोगे, फॉर एवरी कैसी वैल्यू, रेशनल वैल्यू, फॉर एवरी रेशनल वैल्यू ऑफ y, इट इज सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ x विल आल्सो बी रेशनल। Therefore, all elements of this set, all elements of set Q have premed in set Q. तो image का set Q के ऊपर function है क्या? Answer. Clear है? Yes sir. Okay. अब हम x square का graph देख लेते हैं, square function का graph. आपको first term पढ़ाया जा चुका है, graph को shift करना भी बताया गया था, ग्राफ शिफ्ट कैसे होगा। चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है, इनपुट x, आउटपुट y, इनपुट दिया 0, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इनपुट दिया 1, आउटपुट 1। इनपुट दिया 2, आउटपुट 4। इनपुट दिया -1, आउटपुट +1। स्क्वायर है ना, इनपुट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव है। इनपुट दिया -2, आउटपुट 4। क्लियर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इनपुट एक्स एक्सिस पर और आउटपुट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, तो पॉइंट 0.0 ये होगा, इन होगा इनपुट 1,
इनपुट वन कहाँ जीरा, तो आउटपुट भी वन, इनपुट भी वन तो आउटपुट भी वन, इनपुट मतलब एक्स और आउटपुट मतलब वन कॉमा वन यहाँ आएगा इन दोनों के सामने, वन वन क्लियर। इनपुट टू आउटपुट फोर, इनपुट टू आउटपुट वन टू थ्री फोर यहाँ आएगा क्लियर। इनपुट माइनस वन आउटपुट प्लस वन यहाँ आएगा। इनपुट माइनस टू आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या है प्लस फोर, वन टू थ्री फोर यहाँ आएगा। इनपुट माइनस टू ये रहा और आउटपुट प्लस फोर यहाँ आ गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर, एक्स स्क्वायर ग्राफ। अब यहीं से पता चल जा रहा है कि ये वन वन है कि मेनी वन है। जैसे भाई वन वन चेक करना है और मेनी वन चेक करना है तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो। तो इसका जो ये ग्राफ है कितनी जगह कटा, दो जगह कटा ना, दो जगह कटा ना, तो फंक्शन क्या होगा मिनी वन। मिनी वन का मतलब क्या हुआ, देखो जब एक्स रख रहे हो टू तब भी वाई फोर आ रहा, और जब एक्स माइनस टू रख रहे हो तब भी वाई क्या आ रहा, फोर। प्लस टू का इमेज भी फोर और माइनस टू का इमेज भी फोर, फंक्शन क्या होगा मिनी वन। क्लियर है? Yes, sir. और वन वन होगा, सॉरी इन टू होगा क्या, इन टू होगा इन टू एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। एक्स एक्सिस के ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, इनफाइनाइट तक जाएगा तब, बीच में रुकने से नहीं चलेगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस के नीचे से ग्राफ इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, इसलिए फंक्शन क्या है इन टू। समझ में आ गया है? Yes, बहुत ही आसान है, फंक्शन को देख कर आराम से बता सकता है, अगर ग्राफ पता हो तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर फाइव, फंक्शन है जिसमें रियल नंबर इमेज फॉर्म कर रहा है रियल नंबर के सेट में और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो फंक्शन क्या होने वाला है मिनी वन, कैसे सॉल्यूशन, लेट क्या एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग नंबर्स हैं जिनके इमेज क्या है सेम, माना एक्स वन का क्या इमेज और एक्स टू का इमेज क्या है इक्वल है, मैंने क्या इक्वल दिया है इमेज इक्वल दिया है। इसको इनपुट देंगे क्या x1, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट ही तो इमेज है, और इनपुट देंगे x2, इसको इनपुट क्या देंगे x2, तो जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट, वो दोनों आउटपुट इक्वल, दोनों के आउटपुट इक्वल है, मतलब दोनों से इमेज इक्वल मिल रहा है। x1 का क्या इमेज होगा x1, x2 का इमेज x2। इसको ले लो लेफ्ट में, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। Clear? अब जब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ोगे क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अगर ये प्लस वाला इम्पॉसिबल होगा तब इसको लेंगे हम, अगर ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ पॉसिबल हुआ तो फिर रिजल्ट यही डिसाइड करेगा। एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है, तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स टू। अच्छा ये बताओ ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है क्योंकि फैमिली किसकी है रियल नंबर की, तो दो ऐसे रियल नंबर होते हैं जिनको जोड़ने पर जीरो आता है, नहीं होते हैं, प्लस टू और माइनस टू जोड़ दो क्या आएगा जीरो, प्लस थ्री माइनस थ्री ऐड कर दो क्या आएगा जीरो, प्लस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू ऐड कर दो क्या आएगा जीरो, तो पॉसिबल है ना ये। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स टू, तो x1 किसके इक्वल है माइनस एक्स टू के इक्वल है, मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 तो माइनस एक्स टू के इक्वल है ना, मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है, मतलब x1 x2 अलग अलग हो सकते हैं, ये तो कह रहा है। आपने माना था कि x1 x2 दो अलग अलग नंबर है लेकिन इमेज क्या है सेम है,
हमें यहाँ पता चल रहा है कि x1 x2 अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों दो नंबर हो सकते हैं, सेम नंबर नहीं, तो फंक्शन क्या हुआ? मैं नहीं मानू, क्योंकि इमेज बन रहा है ये दो अलग नंबर का, ये बोल तो रहा है कि नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ये दो अलग अलग नंबर का इमेज बन रहा, मतलब फंक्शन क्या हुआ? मैं नहीं मानू। जैसे ही आएगा आप क्या लिखोगे? फंक्शन इज मेनी वन। समझ आया खेल? ओके, अब फंक्शन इनटू है कि अनटू है तुम जान चुके हो क्या? इनटू है, बता चुके ना। खैर क्या करेंगे, लेट एक्स का इमेज क्या है? वाई। एक्स का इमेज यहां से क्या लिख दे? एक्स स्क्वायर लिख दे इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? रूट वाई। वाह, क्लियर? अब तुम खुद सोच के बताओ, वाई क्या लोगे? रियल नंबर, तो एक्स के रियल होने की गारंटी है। चलो मैंने वाई ले लिया माइनस टू रियल नंबर है ना, एक्स कितना आ गया? रूट में माइनस टू, वो तो रियल नंबर है ही नहीं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ये भी रियल नंबर की फैमिली और ये भी रियल नंबर की फैमिली। तुम चाहते हो कि माइनस टू रियल नंबर में, ये जो माइनस टू है इसकी शादी हो जाए, ये चाहते हो ना? तो जैसे ये क्या है, वाई है कि एक्स है? वाई है। जैसे ही वाई की जगह माइनस टू रखोगे, एक्स क्या आएगा? रूट माइनस। तो ये रियल नंबर, इसका इमेज बन रहा है, लेकिन क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये इसमें ये तो क्या हो गया? रूट टू आयोटा, आयोटा रूट टू है ना, ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये तो इस फैमिली में है ही नहीं, इसकी शादी कैंसिल, ये इमेज नहीं बन पाएगा, इसको हल्दी नहीं लगने वाली। क्लियर? फंक्शन क्या हुआ? इनटू क्या? इनटू क्या हुआ? इनटू। क्लियर है ना? क्या लिखोगे? सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वाई इट इज नॉट सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल आल्सो बी रियल, देयरफॉर सम रियल नंबर्स, देयरफॉर कुछ के तो इमेज बनेंगे। अब फोर का तो बन जाएगा ना, फोर तो इमेज बनेगा, वाई फोर रखोगे एक्स क्या आएगा? टू। माइनस टू भी आएगा, प्लस माइनस टू, प्लस टू का भी इमेज है और माइनस टू का भी इमेज है, फोर तो इमेज बन गया, लेकिन कुछ रियल नंबर्स के इमेज, सॉरी कुछ रियल नंबर के प्री इमेज इस सेट में नहीं होंगे। क्लियर है? लिख लोगे? तो ऑनलाइन कैसे लिखना है? तो फंक्शन क्या हो गया? इन। क्लियर? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर छह, यहाँ फैमिली चेंज कर दे रहे हैं, नेचुरल नंबर कर दे रहे हैं, फैमिली में मैंने क्या कर दिया? नेचुरल नंबर। जरा ग्राफ पे चलो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था ना, बट ये फैमिली किसकी है? नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये ग्राफ होगा ही नहीं, इस पर इसका ग्राफ मात्र इतना होगा, नेचुरल नंबर की फैमिली पर ग्राफ इतना ही होगा, हालांकि ये भी सर्टेन नहीं है, देखो ये भी कंफर्म नहीं है, कहने का मतलब है इसमें भी बस केवल नेचुरल नंबर के सामने ही देखेंगे हम, बीच में क्या आएंगे? रेशनल नंबर, वन के बाद क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, वो सब क्या है? रेशनल नंबर, तो उनके सामने भी ग्राफ नहीं होगा, केवल नेचुरल नंबर के सामने ग्राफ होगा, बस आपको हम रफली समझा रहे हैं, बात समझ रही है? ये इसका रियल ग्राफ नहीं है, क्योंकि ग्राफ को केवल नेचुरल नंबर पे लेना है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 1.1 पे इसका ग्राफ नहीं होगा, 1.2 पे इसका ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ इसका ऐसा नहीं बनेगा, एक्सपेरिमेंट कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा बनेगा, पॉइंट बस, मिला भी नहीं सकते, जैसे मिलाओगे तो इस पर कई पॉइंट आ गए ना, रेशनल नंबर वाले पॉइंट आ गए, कौन से पॉइंट? रेशनल नंबर वाले, और ये है क्या? नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं होगा, एक्चुअली ग्राफ ही है, फिर भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करो तो ये कितनी जगह कटेगा? एक ही जगह, तो फंक्शन क्या हो गया? 1-1, अभी मेनी वन था ना, अभी मेनी वन था, रियल नंबर के केस में अभी क्या था? मेनी वन, अब क्या हो गया? नेचुरल नंबर के केस में 1-1 हो गया, और इनटू तो रहेगा, इनटू तो अभी भी रहेगा ये, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? लेट एक्स वन और एक्स टू
लेट एक्स वन और एक्स टू दोनों की इमेज क्या है, सेम है। एक्स वन का इमेज एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू का इमेज एक्स टू स्क्वायर। इसे लेफ्ट में ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो एक्स वन प्लस एक्स टू को जब जीरो लोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये दोनों क्या है, और दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर जीरो नहीं आता, ये इम्पॉसिबल हो गया। अब इसकी बारी आएगी तब ये पॉसिबल होगा। अगर ये पॉसिबल हो गया होता तो फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम, लेकिन इम्पॉसिबल हो गया, रिजेक्ट हो गया ये। तो यहां लिखेंगे सीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई, बिकॉज एक्स वन और एक्स टू दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर जीरो नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, इस पर आ जाओ। अब यही पॉसिबल है, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, क्या आया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, क्या हो गया, कन्फर्म, कन्फर्म हो गया कि एक्स वन एक्स टू दोनों क्या होंगे, सेम। देख लो, चलो फोर, फोर किसका इमेज होगा, इसको क्या इनपुट दे दें कि फोर आ जाए, इसको क्या इनपुट दे दें फोर आ जाए, टू, टू का इमेज फोर है, क्या माइनस टू का इमेज फोर होगा, होगा, लेकिन क्या माइनस टू नेचुरल नंबर है, नहीं। तो फोर एक एक ही नेचुरल नंबर का इमेज बन रहा है, किसी और नेचुरल नंबर, किसी और नेचुरल नंबर का इमेज ये नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, मेनी वन नहीं होगा। और ये तो यही कंडीशन हो जाएगा कि वाई की एवरेज नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए एक्स का नेचुरल होना कंफर्म, वाई नेचुरल होगा, एक्स नेचुरल आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, तो क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही।